चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी इज 60 हर्ट्ज, द टाइम डिफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, वो कितना होगा, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, टाइम डिफरेंस की वैल्यू किसके इक्वल होती है, टी अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, ये होती है, इसके इक्वल होती है टाइम डिफरेंस। अच्छा एक चीज और, टाइम डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में कितनी, पाथ डिफरेंस के बीच में ये रिलेशन होता है, यहां पर पीडी लिखा हुआ है तो इसको मैं फेज डिफरेंस कर दे रहा हूं, इसको इरेज करके इसको ये हिस्सा, ठीक है, इसको फेज डिफरेंस कर दे रहा हूं, ये हो गया। अच्छा पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, वो होता है पाथ डिफरेंस में लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे रिलेशन है। लेकिन इस क्वेश्चन में कौन सा टाइम डिफरेंस चाहिए और फेज डिफरेंस चाहिए, टाइम डिफरेंस और फेज डिफरेंस इस पहले में आएगा, तो टाइम डिफरेंस कितना है 60 निकालना है टाइम डिफरेंस, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस कितना है 60 डिग्री, तो फेज डिफरेंस 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो पाई बाई 3 होता है, तो ये वैल्यू यहाँ रखते हैं पाई बाई 3, तो कटेगा पाई से पाई गया टी बाई 6, तो टाइम डिफरेंस कितना आ गया टी बाई 6। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 60 हर्ट्ज है और टाइम टी की वैल्यू क्या होगी 1 बाई न्यू, यानी 1 बाई 60, टी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दें तो कितना हो जाएगा 1 बाई 60 डिवाइडेड बाई 6, ये कितना हो गया 360, टाइम डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाई 360, ये वाला डी वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है।